57 घंटे से यूक्रेन में नॉन स्टॉप तबाही जारी। आज तीसरे दिन कीव में भीषण गोलाबारी। यूक्रेन का दावा, रूसी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया, अपने जवानों की लाशें वापस ले जाए रूस, कहा यूक्रेन ने। यूक्रेन ने कहा अपने जवानों की लाश वापस ले जाए रूस। अब भी यूक्रेन अपने हौसले दिखाता हुआ, हालांकि दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो रूस की आर्मी ने अब फ्रीडम स्क्वायर की तरफ कूच करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब कि फ्रीडम स्क्वायर और वो सेंट्रल एरिया यूक्रेन का जहां से पूरे यूक्रेन की सत्ता संभाली जाती है, जहां उसकी संसद से के सहित कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं, वहां तक रूस की सेना पहुंच रही है। लेकिन अब भी यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है दावा कि हमने रूस की सेना को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। उसकी तरफ से आंकड़े जारी किए जा रहे हैं कि हमने कितने युद्धबंदी बनाए, कितने सैनिकों को मार गिराया, कितने टैंक्स और कितने हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर्स तबाह किए हैं। रूस को यूक्रेन का करारा जवाब, रूस की पूरी बटालियन को किया तबाह। खेरसान में रूसी मिलिट्री की गाड़ियां बर्बाद, रूसी सेना के टैंक तो भी तहस नहस। इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रही है वो खबर जो मैंने आपको बताई, खेरसान में रूसी मिलिट्री की गाड़ियां तबाह करने की तस्वीरें, और यहां आप देख रहे हैं उन तस्वीरों से इस दावे को एंडोर्स किया जा रहा है। और यहां पर बताया जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ बढ़ते इस काफिले को रास्ते में ही खत्म कर दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। और कई जगहों पर तस्वीरें इस बात की गवाही भी दे रही हैं, ये जेड लिखे हुए आर्मर्ड व्हीकल्स जो जा रहे थे यूक्रेन की तरफ, ये जिस पर टैंक्स और आर्टिलरीज को लाद कर ले जाया जा रहा था, उनमें से कई को आप तबाह देख रहे हैं यहां पर। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक सच्चाई है कि अब बहुत सारे वाहन जेड के बजाय वी निशान वाले, जो कि विक्ट्री को दिखाता है, अब यूक्रेन की तरफ कूच करने लगे। ये दोनों तस्वीरें आप देखें, रूसी जवानों का सरेंडर और यूक्रेन में जंग में जबरदस्त नुकसान रूस को, ये दोनों ही तस्वीरें, रूसी बटालियन तबाह, रूसी जवान का सरेंडर। और इन तस्वीरों के माध्यम से अपने लोगों को हौसला देता यूक्रेन, जो कि इस समय भयंकर संकट से घिरा हुआ है। कुल मिलाकर यूक्रेन अपनी तरफ से रेजिस्टेंस देने की कोशिश कर रहा है, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से लेकर आम लोगों तक लोग रेजिस्टेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ये रेजिस्टेंस कितनी देर तक कीव को संभाले रह सकता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। ये दोनों तस्वीरें हालांकि इस बीच यूक्रेन के रेजिस्टेंस की कहानी बताती हुई, रूस के सैनिकों को पकड़कर उन्हें युद्धबंदी बनाया गया है, और दूसरी तरफ रूस के वो सैनिक साजो सामान जो कीव की तरफ दंदनाते चले जा रहे थे, उनको रास्ते में रेजिस्टेंस देकर तबाह किया गया है। ये कुछ जगहों से आ रही तस्वीरें बता रही हैं कि यूक्रेन ने भी अपनी तरफ से ये लड़ाई संभाले रखने का, इसको लंबा चलाए रखने का काम निश्चित रूप से किया है, और इसके लिए उसके हौसले को की तारीफ होनी चाहिए। लेकिन साथ ही ये भी देखा जाना चाहिए कि रेजिस्टेंस कितनी देर तक आखिर रूस के माइट स्ट्रेंथ को झेल पाएगा, ये क्या आज की रात कल की रात तक ये रेजिस्टेंस चलता रहेगा। क्योंकि दूसरी तरफ से खबरें आ रही हैं कि कीव में जो सेंट्रल जोन है जहां से सत्ता का कामकाज संभाला जाता है, वहां बस अब रूस की सेना किसी भी वक्त पहुंचने वाली है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो मेहमान, प्रोफेसर अमिताभ सिंह फॉरेन अफेयर्स के मामले में उनकी जो टिप्पणियां हैं वो आपको बहुत सारा पर्सपेक्टिव देने का काम करेंगी। ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, आप दोनों का बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, अब ये कितनी देर और कितनी दूर तक मामला आप जाते हुए देख रहे हैं, क्योंकि उधर फ्रांस की तरफ से ये कह दिया गया है कि अब तो पूरी दुनिया को एक लंबी जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, जैसा देख के लग रहा था कि जितनी आसानी से रूसी सेना कीव पर कैप्चर कर लेगी या बड़े शहरों पर कैप्चर कर लेगी, दिनेश जी, वैसा लग नहीं रहा है। अब जो है हाउस टू हाउस, डोर टू डोर रेजिस्टेंस होने जा रहा है। इसके लिए जो यूक्रेन पिछले 8 साल से प्रिपेयर्ड हो रहा था, क्योंकि 2014 के बाद ये लोग सारे जानते थे कि किसी न किसी दिन यूक्रेन पर में हस्तक्षेप होगा और सैन्य हस्तक्षेप होगा, जैसा कि हमें भी लग रहा था और जितने भी जानकार हैं उनको लग रहा था कि शायद ये 2 या 3 दिन का अफेयर हो, जैसा जॉर्जिया में हुआ था 2008 में, रूस ने जब कैप्चर किया था जॉर्जिया को 5 दिनों में। तो अब ये लड़ाई लंबी खिंच सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि स्ट्रैटेजिक इंस्टॉलेशन जो हैं, जो मिलिट्री वाले ज्यादा बता पाएंगे, स्ट्रैटेजिक इंस्टॉलेशन को कब और कैसे कैप्चर करते हैं। देखिए, रूसी सेना के लिए बहुत आसान है कि डोर टू डोर भी वो जाके नरसंहार करे, लेकिन 21वीं शताब्दी में
सिविलाइजेशनल वैल्यूज जो है वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा और उनको पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी पारिया कर देगी। तो इसलिए ये बहुत जरूरी होगा कि पूरी समझ से, पूरे कैलकुलेटेड व्यू में, डोर टू डोर ऐसी एक व्यवस्था की जाए कि उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, उनके स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस, उनके पार्लियामेंट, उनके ये जो है वो कैप्चर होंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।